नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आप सबको पता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन आ चुका है इंडिया में और बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं। बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अभी आपको आपके रिलेटिव में भी बहुत सारे होंगे। हद तो यहाँ तक पहुँच गई है कि आजकल तो बेड भी नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, इवन ऑक्सीजन्स मिलना मुश्किल है, इंजेक्शन्स मिलना मुश्किल है। तो आप सबको मेरी एक ही एडवाइस है, स्पेशली जिनके घर पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो प्रेगनेंसी जिसकी अभी एट प्रेजेंट है, तो उनको सबको कहना है कि आप घर पे रहिए, आप किधर भी जाइए नहीं और कोई भी फंक्शंस या पब्लिक प्लेसेस आप अवॉइड करिए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं कि भाई 7 मंथ्स हुए हैं तो हमको बहुत सारे ये करना है, जिसको गोद भराई की जो रस्म होती है वो करनी है, तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो वायरस कॉन्टैक्ट से फैलता है, क्योंकि तुम्हारे फंक्शन में शायद एक कोई कोरोना पॉजिटिव वाला पेशेंट होगा तो वो आपको भी स्प्रेड कर सकता है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट को तो जाना ही नहीं है। और दूसरा, कई बार ऐसे हमारे पेशेंट सब बोलते हैं, यानी आए हैं और मैंने देखे भी है कि हम हमारी वाइफ को तो नहीं लेके जा रहे, मगर हम घूमने जाएंगे, कहीं लोग गोवा जा रहे हैं, कहीं लोग अपने मालदीव जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि आप तो घूमने जा रहे हैं मगर आपको ये सोचना है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपके घर पे एक प्रेग्नेंट वाइफ है, तो आप इन्फेक्शन बाहर से लेकर उसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम एक तो बहुत कम हो जाती है, तो आपको तो इन्फेक्शन नहीं होगा मगर आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट जो है वो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो रही हस्बैंड की बात, मगर बाकी के सदस्य है, जैसे माँ है, सास है, ससुर है, ननद है, तो प्लीज़ आप लोग भी मत जाइए, क्योंकि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रेग्नेंट पेशेंट को संभालने की। तो आपको सबसे नम्र विनंती है कि प्लीज़ प्लीज़ स्टे होम। एंड प्रेगनेंसी में अगर कोरोना हो जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि वो पेशेंट है अपना, प्रेगनेंसी में उसके साथ एक बच्चा है, तो कभी कभार क्या होता है कि सपोज़ कि वो इन्फेक्शन उसको लग जाता है, सपोज़ माइल्ड है तो ठीक है, मगर वो आज के जो कोरोना वायरस है उसका जो नेचर है वायरस का, तो उसमें कभी कभी लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो प्रेगनेंट पेशेंट को ICU में रखना पड़ता है और फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सबको ये है कि आप लोग भी बाहर मत जाइए, आपके सेफ्टी के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, आपके प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए भी। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी एंड बी अलर्ट। थैंक यू सो मच।